सर एपिसोड ऑफ रियलिटीज आज ट्यूसडे 8 मार्च 2022, 8 मार्च 2022 ट्यूसडे, आज मंगलवार, रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में पास्टर क्रिस ओयाकिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, एफिशियंस 3:8 एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन में से, इफिसियों के पत्री 3:8, इंग्लिश में ये विस्तारित बाइबल में से दिया गया है, एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन में से दिया गया है, लेकिन हम उसे हिंदी में पढ़ेंगे तो भी ईसाई बाइबल में से पढ़ेंगे। और इस वचन के आधार से आज का विषय है व्हाट वी हैव इन द व्हील, हमारी इच्छा के अंदर क्या है, व्हाट वी हैव इन द व्हील, हमारी इच्छा के अंदर क्या है। वचन के आधार से पास्टर क्रिस ओयाकिलोम हमको सिखाते इस विषय को हम पढ़ेंगे। टू मी दो आई एम द वेरी लीस्ट ऑफ ऑल द सेंट्स गॉड्स कॉन्सिक्रेटेड पीपल दिस ग्रेस फेवर प्रिविलेज वॉज ग्रांटेड एंड ग्रेशियसली इंट्रस्टेड टू प्रोक्लेम टू द जेंटाइल्स द अनएंडिंग बाउंडलेस फैथमलेस इनकैलक्युलेबल एंड एग्जॉस्टलेस रिचेस ऑफ क्राइस्ट wealth which no human being could have searched out. Ephesians 3 chapter 8 verse amplified classic edition में से और एक बार पढ़ेंगे। To me, though I am the very least of all the saints, God's consecrated people, this grace, favor, privilege was granted and graciously entrusted to proclaim to the Gentiles the unending, boundless, fathomless, incalculable and exhaustless riches of Christ's wealth which no human being could have searched out. इसी वचन के आधार से हम हिंदी में देखेंगे इफिसियों के पत्र 3:8 BSI बाइबल में से, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों के पत्र 3:8 BSI बाइबल में से, मुझ पर जो पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। विस्तारित बाइबल में ये बहुत बढ़ चढ़ कर दिया है वचन, हम एक बार उसको देखेंगे हिंदी में, उसको मैं भाषांतर करके बताती हूँ। मेरे लिए जबकि मैं बहुत छोटा से छोटा हूँ संतों के बीच में, तब भी परमेश्वर ने मुझे अलग कर लिया, लोगों के बीच में से मुझे अलग करके चुने हुए लोगों में गिनती कर लिया, उसके अनुग्रह, उसकी कृपा दृष्टि, उसका आदर उसने मुझे दिया, इस प्रकार से वो लिखा है कि मैं आदर को ग्रहण करूं। और मैं आदर को ग्रहण करूं और मैं अन्य जातियों में असीम और जिसकी गिनती नहीं कर सकते हैं इस प्रकार से, और कभी ख़त्म नहीं होने वाला और बड़े गहराई का, ऐसे प्रकार से मसीह का धन जो है वो मनुष्यों में रखा हुआ है वही ढूंढ के लेकर आ सकूं, जो कोई मनुष्य ढूंढ के नहीं लेकर आ सकता है उसको मैं प्राप्त करूं, इस प्रकार से विस्तारित बाइबल में लिखा है। हम पास्टर क्रिस ओयाकिलोम द्वारा जो सिखाया जा रहा है वचन के आधार से हम सीखेंगे। इन हिब्रूस 9:16 द बाइबल सेज फॉर वेयर अ टेस्टमेंट इज देयर मस्ट आल्सो ऑफ नेसेसिटी बी द डेथ ऑफ द टेस्टाटर। इब्रानी की पत्री ऐसे लिखा है 9:16 पवित्र बाइबल बताता है, इब्रानियों की पत्री 9:16 इस प्रकार से पवित्र बाइबल बताता है, क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई
है वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु की का समझ लेना भी अवश्य है। और एक बार पढ़ेंगे इब्रानियों के पत्र 9:16, क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। तो इस प्रकार से अगर कोई वाचा बांधता है तो वाचा को बांधने वाला भी होना चाहिए, और वाचा को बांधने वाला और वाचा दोनों इकट्ठे होना चाहिए। देखिए एक बार और पढ़ते हैं इसे ठीक तरह से, क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। द वर्ड दैट्स ट्रांसलेटेड टेस्टामेंट इन दैट वर्ड इज द ग्रीक डायाते के and it means the last disposition, the last will. जो शब्द यहाँ पर लिखा गया है भाषांतर करके, जो वाचा, ऐसा जो शब्द लिखा गया है, ये वाचा जो है ये अगर यूनानी भाषा में अगर देखेंगे, इंग्लिश में ये टेस्टामेंट ऐसा लिखा है, यूनानी भाषा में देखेंगे तो डायते के ऐसा लिखा है, और इसका मतलब यह बनता है कि आखिरी में दे देने वाली चीज़, आखिरी में दे दिया जाएगा इस प्रकार की चीज़, यानी एक अंतिम इच्छा। The 17th verse says, "For a testament is of force after men are dead; otherwise, it is of no strength at all while the testator liveth." 17th verse अगर हम देखेंगे तो वो इस प्रकार से है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। और एक बार पढ़ेंगे इब्रानियों के पत्र 9:17, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। It's saying that as long as the person who made the will is alive, the will has no power. It can't be affected. ऐसा कहा जाता है जहाँ तक जो वाचा बांधने वाला इंसान है, जीवित है, उसकी इच्छा, वो जो कह चुका है, जो आखिरी में उसकी इच्छा बनाकर उसने रखी है, उसका कोई भी सामर्थ्य रहता नहीं है। वह असलियत में पूरा नहीं हो सकता है, वह काम नहीं कर सकता है, जब तक वह इंसान जो वाचा बांध रहा है जीवित है, जिसने अपनी आखिरी इच्छा को बयान करके रखा है, तो उसकी आखिरी इच्छा में कोई दम नहीं रहता है, कोई सामर्थ्य नहीं रहता है, क्योंकि वो जीवित है, इसी वजह से उसमें कोई असर नहीं रहता है। बट वंस ही इज डेड द विल कम्स इन टू इफेक्ट, लेकिन एक बार अगर वह मर गया फिर उसके बाद उसकी आखिरी इच्छा जो है वह सामने आ जाती है और प्रभावशाली बन जाती है। दिस इज टेलिंग अस अबाउट जीसस द मीडिएटर ऑफ द न्यू टेस्टमेंट द न्यू विल, यही बता रहा है हमको यीशु मसीह के बारे में, जो मध्यस्थी है नया वाचा का, जो नई इच्छा है। सो द क्वेश्चन इज व्हाट्स इन द विल दैट जीसस लेफ्ट फॉर अस। तो अब सवाल यह है कि वो क्या है इच्छा के रूप में जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए छोड़ कर गया है। व्हाट डिड ही असाइन टू अस, उसने हमें क्या सौंप कर गया है। व्हाट डिड ही गिव अस, उसने हमें क्या देकर गया है। ही गिव अस एवरीथिंग दैट वॉज हिज, एवरीथिंग इंक्लूडिंग हिज लाइफ, उसने जो देकर गया हमको वह सब कुछ है, जो कुछ भी उसका है वह सब कुछ, उसके साथ साथ उसके अंदर वह उसका जीवन भी देकर गया है हमारे लिए। If a man writes in his will and says, "I have given you everything I have," it will be wise to find out what he had. तो यहाँ पर अगर कोई मनुष्य लिखने के लिए बैठेगा अपनी इच्छा
और कहेगा कि मैंने सब कुछ दे दिया है जो कुछ मेरे पास था। तो यह कोई ऐसी बुद्धिमानी जो कहा जाता है वचन के अंदर, उस तरह का ये कुछ बात बन जाएगा कि हमने उसे ढूंढ कर निकालना है कि इसने क्या ऐसा हमारे लिए लिख कर रखा है कि उसका जो है वो हमको सब कुछ दे दिया गया है। तो ये एक बुद्धिमानी की बात होगी अगर हमने उसको ढूंढ के निकाला कि क्या दे कर गया है वो, क्या था उसके पास, इसको हमने ढूंढ कर निकालना बुद्धिमानी होगी। इन अवर थीम वर्स पॉल द अपोस्टल बाय द रेवलेशन ऑफ द स्पिरिट गिव्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ वॉट ही वॉज सेंट टू प्रीच अबाउट द लास्ट डिस्पोजिशन विच इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेल्थ ऑफ जीसस दैट ही बिक्वीट टू अस वॉट वी हैव इन द विल ही कॉल्ड इट बाउंडलेस फैथमलेस इनकैलक्यूलेबल एंड एग्जॉस्टलेस रिचेस ऑफ क्राइस्ट वेल्थ which no human being could have searched out, how refreshing। अब यहाँ पर जो प्रेरित पौलुस जो है वह हमारे शुरुआती वचन में कुछ कह चुका है इसी विषय में कि ये क्या कह रहा है यीशु मसीह, क्या छोड़ गया है हमारे लिए। तो हमने उसको ढूंढ निकाला, यही बातें जो पौलुस कह रहा है उस शुरुआती वचन में, जो मनुष्य ढूंढ नहीं सकता था उन चीज़ों को हम प्राप्त करें। वो प्राप्त करने का रास्ता परमेश्वर ने पौलुस को दे दिया है, हमको दे दिया है। ये बात उस वचन के अंदर हमने पढ़ी है और अभी पौलुस जो है, जो प्रेरित है, उसके अंदर आत्मा ने प्रकाशन दिया हुआ था इसके वर्णन करने के विषय में। जो कुछ भी उसको प्रचार करना था वो प्रचार को करने का उसके अंदर वर्णन दिया था। क्या प्रचार करेगा वो, ये वही है जो यीशु मसीह ने अपने वाचा में रख कर गया था हमारे लिए, और वह हमको प्रचार में देना है। यही वो वर्णन है जो मसीह यीशु के संपन्नता के विषय में है, जो हमारे अंदर रखा गया है। अब जो हमारे अंदर है वह उसकी इच्छा है जो हमको बुलाहट के रूप में दिया गया है। उसने हमको उसके इच्छा को प्राप्त करने के लिए बुला लिया है, और यही हम उस वचन में पढ़ इफिसियों के पत्र 3:8 में हमने पढ़ा उसको। वहां पर इस प्रकार से है, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हो, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। अगम्य धन के बारे में वह कह रहा है, और 9 में वह इस प्रकार से कह रहा है। वह अगम्य धन किस प्रकार का है, वह ऐसा है, और सब पर यह बात प्रकाशित करो कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। परमेश्वर ने हमारे लिए ये धन रखा है और ये अगम्य है, अगम्य धन वर्णन के रूप में दिया है। लेकिन अगर हम विस्तारित बाइबल में देखेंगे तो इसका वर्णन बहुत ज़्यादा किया है। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं, गिनती नहीं कर सकते हैं और कभी खत्म नहीं हो सकता है, इस प्रकार का वर्णन दिया है। इन कोलोशियंस 1:12 द बाइबल सेज, गिविंग थैंक्स अनटू द फादर विच हैथ मेड अस मीट टू बी पार्टेकर्स ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ द सेंट्स इन लाइट। कुलोसियों की पत्री 1:12 हमको इस प्रकार से बताता है, हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे, और पिता को धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। और एक बार पढ़ेंगे कुलोसियों की पत्री 1:12, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो।
Thus, the Father has qualified us to be partakers of the riches of Christ. अब इस प्रकार से पिता ने हमको योग्यता बनाया है कि हम उसके सहभागी हो जाए जो अगम्य धन है मसीह का. How do you walk in it? उसमें आप किस प्रकार से चलते हो? It's through the word, वचन के द्वारा. As you study and meditate on the word, not only will you discover your inheritance in Christ, you will also begin to relate with and enjoy all that God has made available to you in Christ Jesus. जब आप अभ्यास करते हो, मनन करते हो वचन के अंदर, तब आप खोज निकालते हो आपकी विरासत मसीह के अंदर. फिर आप उसके साथ संबंधित साथ साथ आनंद लेना शुरू कर देते हैं सब कुछ में जो भी परमेश्वर ने आपके लिए उपलब्ध करा के दिया है मसीह यीशु के अंदर. एक्ट्स 20 चैप्टर 32 सेज, एंड नाउ ब्रेदरन आई कमेंड यू टू गॉड एंड टू द वर्ल्ड ऑफ हिज ग्रेस which is able to build you up and to give you an inheritance among all them which are sanctified. Glory to God. प्रेरितों के काम 20 अध्याय 32 वचन इस प्रकार से कहता है. प्रेरितों के काम 20 अध्याय 32 वचन, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मीरास दे सकता है. और एक बार पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 20 अध्याय 32 वचन, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मीरास दे सकता है. महिमा हो परमेश्वर की. पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस उन्नति के लिए. हम आपके राज्य में परमेश्वर और हमारे इर्द गिर्द में और आपके सेवा के कामों में हम इन्हीं उन्नति के कारण लाभदायी बने, परमेश्वर आपके राज्य में महिमा को लेकर आ सके. नासरी यीशु के नाम में विनती करते हमें फिट एंड फिक्स कीजिए. ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए. नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर. आमीन आमीन आमीन.